माँ काली, कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। वे मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी हैं। यह सुंदर रूप वाली आदिशक्ति माँ दुर्गा का काला, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। तो चलिए आज जानते हैं माँ काली के जन्म की कथा। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी उससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुण के हाथों मात खा चुके थे। दारुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि वे उसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था, जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थर थर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री रूप ले लिया था। उसका रंग रात सा काला, गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ था माँ काली का जन्म। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसकी विशाल सेना का विनाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी मनमोहक मुस्कान से माँ काली शांत हुई। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।